लोग इंसान लोग को सोने दो, हम देश तक जागते और हम पत्थर बन जाएंगे। अरे भाग भैया भाग, नहीं तो पत्थर के बन जाओगे। फकत अगरबत्ती जलाने वाला नहीं मिलेगा। और कहीं भाई साहब काबता मंदिर बना दी किसी ने तो दिन भर घंटी बजती रही, हैरान मत होइए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद के विकास खंड बंकी और बकायदा ग्राम प्रतिभा सब भोजपुर जनसभा को संबोधित करते हुए सदर विधायक सुरेश यादव का ऐसा बयान हमने सुना तो कलेजा फट गया। विपक्ष वाले हैरान हो जाएंगे। RSS से लेकर के बस बीजेपी सरकार कितनी झूठी है, 370 से लेकर के बस सेम में टिकली काय लगती है। और अडानी से लेकर के बस पूछो नाथूराम गोडसे और बाकायदा बस कलेजा फाड़ वाली बोली बोले हैं। पसीने में तरबितर थे, माथे से पसीना चूरा था, आंखों में इनक सजा रखे थे। सदर विधायक सुरेश यादव माइक पकड़ कर ऐसा बोले, ऐसा बोले कि काबता अखिल बार 400 तक पहुंचना है। सुना होगा हमारी माताएं बहने भी जानती है, एक साल ऐसा हुआ था, यही भाजपा वालों ने जाने कितनी बढ़िया अफवाह फैलाई और कहा कि जो सोएगा रात में तो पत्थर ही बन जाए। हमको भी जगाया गया रात में, अब हमको उठ के बैठे बड़ी जल्दी थी, जगा रहे थे घर वाले, तो हमने कहा क्या हुआ, क्या हुआ, सब कोई झगड़ा हो गया, क्या रात 12 बजा था, उठो नहीं तो पत्थर के बन जाओ। हमने कहा सब लोग इंसान रहो, हमको सोने दो, हम बहुत देर तक जागते और हम पत्थर बन जाएंगे, सवेरे हमारी पूजा कर लेना। तो जब बच्चे हमारे पढ़ जाएंगे तो इनके बहकावे में नहीं आए, तब थाली नहीं पीटेंगे, थाली बजा के कोरोना नहीं भगाएंगे। एक डरा हुआ इंसान और इतनी बड़ी बीमारी नहीं थी जितनी बड़ी इन्होंने कह दी और कर दी। अब आप पूछो कैसे, ये चाहते हैं कि पहले परेशानी पैदा करो उसके बाद मदद करो। ये RSS का संगठन 1924 से हिंदुस्तान में काम कर रहा है। ये RSS वाले जानते हैं इनकी प्लानिंग वहीं से होती है, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, और नागपुर में इनका कार्यालय है, RSS वालों का नागपुर में है। सारा पैसा देंगे, जितने दिन रुकेंगे खर्चा देंगे, चले जाएं देखा हमें वहां भी, आज तक भारत का झंडा ये लोग नहीं फहराते। तो नाथूराम गोडसे जो RSS का पक्का सिपाही था, सच्चा सेवक था, उसने गांधी जी को कहे मारा, ये सोचने की बात है, उसको तो मारना जितना को चाहिए अगर ये हिंदू वाले हैं। अगर ये हिंदू वाले हैं तो गोडसे को पहले जिन्ना को गोली मारनी चाहिए फिर गांधी जी को मारनी चाहिए। ये जीवन में कभी भी न हिंदू के हुए हैं न मुसलमान के हुए हैं, ये किसी के नहीं है, ये केवल सत्ता हासिल करने के लिए गोधरा जैसे बड़े बड़े कांड कराने का काम करते हैं। राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराते वो सबसे बड़े राष्ट्रवादी। तो ये चाहते हम अनपढ़ गंवार बने रहे, और जब इंसान इतना कमजोर और कंगाल हो जाएगा, अपने पेट के लिए सोचेगा ना कि देश की राजनीति करने की सोचेगा, कौन अच्छा कौन खराब कर रहा है उसके लिए कोई नहीं सोचने का काम। अरे बाप रे बाप, भाई साहब कलेजा तो सदर विधायक सुरेश यादव जैसा हर किसी की हिम्मत नहीं होती। भाई साहब RSS से लेकर के पकाता बीजेपी सरकार, पूछो ना किस किस पर बोले। वैसे भाई साहब आगे सुनिए, बोले कि डायल हेलमेट कौन लेकर के आया, 100 नंबर अखिलेश जी ने चलाई। सड़कों का हाल क्या था, सड़कों का हाल आज क्या है, ये आप बेहतर देख रहे हो। मुझे आने में जितना समय लगा है मनोज जी, आपने जब कहा ना 5 मिनट बाद तुरंत चल दिया, इतनी सड़कें खराब है कि मुझे कितनी देर लगी। सड़कों की हालत आज देख लीजिए, सड़कों की हालत अपनी सरकार ने देख ली। अगर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे पूरे प्रदेश में, बड़े बड़े कैंसर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, एम्स, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत ही काम करने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। पर्चा ही 1 रुपए कर दिया था, और ये सरकार कह रही सितंबर से 100 रुपए पर्चा हो जाए। अस्पताल कौन जाता, गरीब आदमी जाता। जाने कितने अस्पताल बने, जाने कितने पुल बने, जाने कितने स्कूल बने, जाने कितने महाविद्यालय बने। माताएं बहने हमारी बैठी, कुछ बुजुर्ग माताएं भी हैं, जब कभी हम लोग अपनी माता जी के पेट में आते थे और अस्पताल जाना पड़ता था तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती, कितना दर्द होता रहा होगा, और जाने कितनी माताएं बहने हमारी रास्ते में ही अस्पताल ना पहुंच पाने दम तोड़ जाती है। 102 नंबर 108 नंबर अखिलेश जी ने आपकी इस मदद की बदौलत चलाने का काम किया, लेकिन ये सरकार आज उसको भी नहीं चला। वाह विधायक जी वाह, क्या बात है। बकायदा बस अब डायल हैंडल कौन लेकर के आया, 108 किसकी देन है, 102 किसकी देन है, बीजेपी सरकार कितनी अच्छी सरकार है और अखिलेश सरकार में कितना विकास हुआ, सब कुछ गिना दिया। आगे सुनिए, बोले कि 370 हटाने का मकसद तो जान लो कि कश्मीर में कितना फायदा हो रहा है, सेब कैर पे मिलता था अब कैर पे मिलता है। 370 इन्होंने हटाई
और काहे है काई? आप अंदाजा लगा लो, एक साल से पहले कभी न कभी सेब आप लोगों ने खरीदा हो। सेब का क्या भाव था? 80 रुपया, 100 रुपया, 120 रुपया, बहुत अच्छा 150। 800-250 से कहीं सेब कम मिल जाए शहर में, और उस सेब पे हमेशा एक स्टिकर चिपका, टिकली चिपकी होगी, उसमें लिखा होगा अडानी से। कश्मीर में पैदा क्या होता है? केसर, अखरोट, जाने कितने सूखे मेवे, फल, यही सब पैदा होता था। अब उस पे भी नजर थी भारतीय जनता पार्टी वालों की, तो उन्होंने अडानी को वहां पे व्यापार करने के लिए रख छोड़ा और 370 धारा हटाने का काम कर दिया। आज सेब आप लोग खरीद के देखो क्या भाव मिल रहा है, कहां से आफत आ गई सेब पे, क्योंकि सेब उस व्यापारी के पास चला गया जो व्यापारी बहुत बड़ा, पूरे 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 प्रदेश का काम अकेले कर लेता। बस करो विधायक जी, बस करो, वरना बीजेपी वाले सुन लेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि देखो भैया देखो, ये तो पूरी बोल पट्टी खोले दे। वैसे बस अब ज्यादा कहना उचित नहीं होगा, पर फिलहाल बाराबंकी जम्पस में उत्तर प्रदेश के लिए शुभ से की बार वीडियो इसलिए शेयर करता है।